देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की ओर से नॉर्थ जोन के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने अम्बाला शहर के आम्रपाली रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़, नॉर्थ जोन संयोजक चित्रा सरवारा और नॉर्थ जोन सचिव योगेश्वर शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन निर्माण को लेकर चर्चा की। अनुराग ढांडा ने कहा कि संगठन निर्माण को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, इसके साथ नए और पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। 2024 विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को काम में जाकर मजबूत टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि वे जिला स्तर से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम तैयार करेंगे। 1 से 1.5 महीने में संगठन में नए स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा 3 लाख करोड़ के कर्ज में है, इसलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज केजरीवाल से ट्यूशन लें। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रक्रिया चल रही है, हमारा एक तरीका है आम आदमी पार्टी का संगठन बनाने का कि हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके जैसा वो काम करना चाहते हैं उसको वो जिम्मेदारी दे करके तब हम संगठन निर्माण करते हैं। इससे संगठन मजबूत बनता है, इससे कार्यकर्ताओं में आपसी विश्वास पैदा होता है, इससे कार्यकर्ताओं को पता होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है, किसको क्या काम करना है। इन सारे नियमों का पालन करते हुए एक मजबूत संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ऐसा मजबूत संगठन जो 2024 में बीजेपी को मात दे सके, भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी सरकार को मात दे सके, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके और व्यवस्था परिवर्तन कर सके, इसी कवायद में लगे हुए हैं। ये प्रक्रिया कब तक आप इसको अंतिम रूप देंगे? मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि 90 विधानसभाएं और सब जगह पर जाकर के हम दो मीटिंग्स कर रहे हैं, तो 180 वॉलंटियर मीटिंग होनी है, कार्यकर्ता मीटिंग्स होनी है विधानसभा के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद एक पूरे हरियाणा के अंदर एक संगठन का अनाउंसमेंट किया जाएगा जिसमें सारे पदाधिकारियों का एक साथ अनाउंसमेंट होगा और मजबूत संगठन का निर्माण होगा। कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस वालों को और काम ही नहीं है, वो एयरवेज ने उसको डिनाई कर दिया, वहाँ से सब डिटेल्स आ गए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वो यहाँ संबोधित कर रहे थे, दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम को लाइव संबोधित कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं है। ये लोगों के बेडरूम में झांकते रहते हैं, ये लोगों के मुंह सूंघ सूंघ के देखते रहते हैं कि ये है वो है, अफवाहें उड़ाते रहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं बचा। पंजाब सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों की भलाई का काम कर रही है, मुझे लगता है उससे बौखला गए हैं ये सारे के सारे। और वहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है, अगली बार जितनी सीटें इनको दो दो चार चार मिल गई, मुझे लगता है अगली बार वो भी नहीं मिलने की है। एक तरफ एक तरफा माहौल वहाँ होता जा रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस बात से बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ट्रोल्स हैं, ये सारे बौखला गए हैं पूरी तरह से और इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि केजरीवाल जी जो है वादे कर कर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो, तमाम जो वादे उन्होंने किए हैं देश को। हरियाणा के अंदर जो हम दिल्ली में फ्री देते हैं, जो हम पंजाब में फ्री देते हैं, हरियाणा में ये उनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। विद साहब से ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आप इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देते। मैं कैमरे में देख के पूछ रहा हूँ, देख रहे होंगे सब, एक भी चीज़ इनमें से आप हरियाणा में फ्री नहीं देते। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है विद साहब, ये बता दीजिए। अपने किस परिवार के व्यक्ति को आपने 3 लाख करोड़ दे दिया, अपने किस दोस्त को ये 3 लाख करोड़ दे दिया, ये पैसा कहाँ चला गया ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा जो फ्रीबीज देने का तरीका वो गलत है। हम जो तरीके से जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में फ्री देते हैं, उन सारी सुविधाओं को देने के बावजूद एक पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, एक पैसे का। अगर वित्त साहब को सीखना होगा हिसाब किताब कैसे करते हैं, ये फ्री सुविधाएं देने के बाद भी बजट प्रॉफिट में कैसे रहता है, तो क्लास लगवा लेना, केजरीवाल जी के पास जाएं, अपने मुख्यमंत्री को भी लेके चले जाएं, दोनों लोग वहां क्लास लगाएं, ज्यादा ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आधे एक घंटे में इतना गुर तो सिखाई देंगे कि 500, 1000, 2000 करोड़ बचाना सीख जाएंगे। एक एक स्टेडियम का बजट डबल डबल नहीं करेंगे, एक एक पुल दो दो बार उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे और इस तरीके की एक्टिविटीज में 100, 200, 500 करोड़ ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो बचत हो जाएगी। दिल्ली में जो पुल है, जो स्टेडियम है, वो जितना बजट बनता है उससे कम पैसे में बनाते हैं हम लोग, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। यहाँ पर वेद साहब से पूछो, उनके पूरे इलाके में उनका कोई भी प्रोजेक्ट जितने में पास हुआ था, जितने का बजट पास
हुआ था, उतने में अगर बन गया हो उनके जीवन में तो एक आध उदाहरण दे दें, हम भी समझ लेंगे। उनके 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का बजट बनता है और 1000 करोड़ में वो बन करके तैयार होता है। ये लूट कसोट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी वजह से सरकारें नुकसान में जाती हैं। ये मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से सरकारें देखिए, आम आदमी पार्टी में एक लोगों में वेद है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत बड़ी हमारी वेद के तहत चलते हुए बढ़ोतरी हुई, बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग करी और साथ ही में बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो पिछले दशक से ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्टी का झंडा लेके चले हैं। तो पार्टी ने जहाँ इस विस्तार की तरफ नज़र डाली है तो पार्टी ने एक सिस्टम बनाने की उसमें कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि जब आगे का संगठन बने, जब इसका विस्तार हो, जब नई नियुक्तियाँ हों, तो हम कुछ इस तरीके से करें कि हम अपने हर नए पुराने कार्यकर्ता से संपर्क करें, सबकी मंशा, सबकी मंजूरी, सबकी मर्जी, सबकी क्षमता को देखते हुए हम इसको इस संगठन की एक रूपरेखा तैयार करें। तो उसी के तहत पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो हर प्रदेश में लागू होगा, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या आसाम। इसके तहत पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर असेंबली में जाके 2 से 3 चरण में मीटिंग करेगी, जहाँ पे वो कार्यकर्ताओं के नंबर लेंगे, टास्क लेंगे, एक चर्चा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और उसके बाद आने वाले महीने तक हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारा कार्यकर्ताओं का नया जो संगठन है वो अनाउंस होगा। मैं अम्बाला नगर निगम से भी काफ़ी आ रहा हूँ, 500 अधिकारी 500 लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, पिछली सभी मीटिंगें स्थगित होती रही हैं, इस बार भी जो है डॉक कमेटी 2 साल हो चुके हैं, किस वजह से देखते हैं आज के समय में? देखिए, एक समय था जब कोई कह सकता था कि विपक्षी पार्टी के होने की वजह से हमारी मेयर साहिबा को यहाँ पे मदद नहीं मिलती, लेकिन आज की तारीख में ये बातें नहीं कही जा सकती। बहुत दुख की बात है कि जिसकी भी लड़ाई है, जिसकी भी अहम की या अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, इसके अंदर आम जनता पिस रही है। आम जनता ने नॉर्मल सही डेमोक्रेटिक स्थानीय जो हमारे शहरी निकाय के तहत चलते हुए अपनी एक सरकार अपने नुमाइंदे चुने थे और उनको अगर कोई भी काम नहीं करने दे रहा आज की तारीख में, तो हम समझते हैं संविधान के खिलाफ और जनता के खिलाफ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।